अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के भुतहा से है, जहां पर राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके चलते ग्रामीण अपने हाथों अपने आशियाने को उजाड़ने में जुटे हुए हैं। अपने आशियाने को उजाड़ कर वो सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इस समय राप्ती नदी कहर बरपाए हुए है। चारों तरफ कटान हो रही है, चाहे वो मल्हीपुर इलाके की बात हो या गिलौला सायथी इकौना इलाके में भी कई जगहों पर राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है। भुतहा की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर लोग अपने हाथों अपने आशियाने को उजाड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के भुतहा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके जद में कई लोगों के घर आ गए हैं। ऐसे में लोग अपने घरों को अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने में जुटे हुए हैं। भुतहा जैसी तस्वीरें अन्य गांवों की हैं, चाहे वो लेबड़वा हो, टहवा जंगरावल हो या पुरुषोत्तमपुर हो। कई जगहों पर राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है। राप्ती नदी अपने आप में सभी के घर खेत खलिहान समाहित करने को आतुर है, जिसको लेकर लोगों की परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। इकौना इलाके के भुतहा की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग परेशान हैं और अपने हाथों ही अपने आशियाने उजाड़ने को अब विवश हो चुके हैं, जिसके बाद भारी संख्या में लोग एकत्र होकर अपने घरों को उजाड़ रहे हैं तथा यहाँ से निकली हुई सामग्री को सुरक्षित स्थानों की ओर पहुँचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों की हालत इस समय बद से बदतर हो चुकी है और लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करने को विवश हैं।